Hello friends, good evening. This is Umang Tiwari and I welcome you all on Unacademy Let's Crack SSC and Railways Exam Portal. आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम एंड पोर्टल पर. यहाँ पर मैं आपके लिए रोज शाम को 7:30 बजे लेकर के आता हूँ करंट अफेयर्स के एनालिसिस. 2019 और 2020 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. और काफी नेचर के हमने जो है वो डिस्कस भी कर लिए हैं. काफी इंपॉर्टेंट नेचर के ये जो है वो करंट अफेयर्स हैं और लगभग 500 से ऊपर, लगभग 700 या 800 के आसपास करंट अफेयर्स जो हैं हम लोग एनालाइज कर चुके हैं. तो आज हमारे लिए टाइम है इसी सीरीज में अगले करंट अफेयर्स को एनालाइज करने का. लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पोर्टल पर हैं आप मेरे साथ, तो स्ट्रेट अवे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे. स्ट्रेट अवे आई विल टेक यू ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो आ रहा है, पहला क्वेश्चन है कि भारत व श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था अभी हाल ही में. There was a joint military exercise between India and Sri Lanka. So where have been that exercise been shared? कहां पर वो exercise जो है वो हुई है? A कोची केरला में, B पुणे महाराष्ट्र में, C कोलकाता वेस्ट बंगाल में, या फिर D चेन्नई में. तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आंसर है पुणे. पुणे महाराष्ट्र में जो है वो ये एक्सरसाइज हुई थी पुणे महाराष्ट्र में. इंडिया और श्रीलंका के बीच में 7th एडिशन हुआ था, 7वां एडिशन जो है वो हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में. नमस्कार आयुष त्रिपाठी जी, मैं वेलकम करता हूं आपको. जय धनिया जी, मैं आपको भी वेलकम करता हूं सेशन में. आप दोनों को मैं सेशन में वेलकम करता हूं. आप लोग सभी लोग जो है वो मेरे सेशन से जुड़े रहिए और क्वेश्चन में आप सभी से जो है वो पूछता जाऊंगा. आप सभी लोग मुझे आंसर जो है वो क्वेश्चंस के देते जाइएगा और आंसर देने का जो आप तरीका रखेंगे, सपोज आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना है. जैसे सपोज इसी का आंसर अगर आपको 2 देना था तो 1.2 आप आंसर दे दीजिएगा. दैट इज हाउ वी विल मूव इन टू द सेशन. आयुष त्रिपाठी, जय धानिया, सुमित राज, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं. पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज का जो 7th एडिशन हुआ था वो कौन सी स्टेट में हुआ था. तो इसका जो आंसर था वो था पुणे महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्ट्रेट अवे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और अगला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 2 दिसंबर 2019, यानी 2 दिसंबर 2019 को. हेलो कुलदीप फोगाट जी, वेलकम टू द सेशन. 2 दिसंबर 2019 को एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. Who have been appointed as the 10th president of Asian Development Bank? Options हैं आपके सामने, तरोइची योशिडा, मसात्सुगु असाकावा, हारुहिको कुरुडो, या फिर टडाओ चीनो. कोई आप में से अगर आंसर देना चाहता है तो मुझे दे सकता है. 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आप लोगों को आंसर देने के लिए. अंकित दास, हेलो, वेलकम टू द सेशन अंकित. आप में से अगर कोई मुझे आंसर देना चाहता है 10 सेकंड में का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हिंदी में लिखा हुआ है मोहम्मद सद्दाम जी, हिंदी में लिखा हुआ है 2 दिसंबर 2019 को एशियाई विकास बैंक के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया. तो एक ही आंसर जो है वो मेरे पास आया है. आयुष त्रिपाठी का आंसर आया है बी. उसके अलावा आंसर आए हैं हारुहिको कुरुडो और टेडाओ चीनो. तो मैं बता दूं जो सही आंसर है वो है मसात्सुगु असाकावा. मसात्सुगु असाकावा ये चुने गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के 10वें अध्यक्ष के रूप में. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए. थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अब्दुल मेहंदी रिजाइंड रिसेंटली. कौन से देश के प्रधानमंत्री अब्दुल मेहंदी ने हाल ही में इस्तीफा दिया है. ऑप्शंस हैं आपके सामने, आर्मेनिया, सूडान, इराक, या फिर ईरान. चलिए आंसर दीजिए आप लोग सभी. अब्दुल मेहंदी ने कौन से देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है. बताइए, कोई आंसर आप में से देना चाहते हैं. कुछ लोगों ने बी सूडान आंसर दिया है, कुछ लोगों ने 3 इराक आंसर दिया है. तो मोहम्मद सद्दाम जी का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है. इराक जो है वो करेक्ट आंसर है. इराक के प्रधानमंत्री
अब्दुल मेहंदी ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वेरी गुड. फोर्थ क्वेश्चन पर आइए. वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना नेम्ड हैंड इन हैंड 2019 हेल्ड. भारत और चीन के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण जिसका कि नाम था हैंड इन हैंड 2019 ये कहां आयोजित की गई थी. ऑप्शंस आपके सामने हैं मेघालय, मिजोरम, असम या फिर महाराष्ट्र. बताइए, आंसर दीजिए. हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वो कहां पर हुई थी. दो आंसर आ गए हैं मेरे पास, मोहम्मद सद्दाम का और चिरंजीत मुखर्जी का. कोई और आप में से आंसर देना चाहता है. भक्त मिस्त्री का आंसर आ गया है तीसरा. चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय. बिल्कुल सही जवाब दिया मोहम्मद सद्दाम, भक्त मिस्त्री, बीबी इंडिया और कुलदीप फोगाट ने. नहीं, मिस्त्री जी का आंसर गलत है, भक्त मिस्त्री का आंसर गलत है. सॉरी, इन्होंने थ्री आंसर दिया, ये आंसर सही नहीं है. सही आंसर है वन, मेघालय. मेघालय में इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है हैंड इन हैंड उसका 8वां संस्करण हुआ है. चलिए पांचवे क्वेश्चन की तरफ आइए. विच स्टेट हैज साइंड $2606 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट टू डेवलप वाटर सप्लाई सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 सिटीज. यानी कि भारत के कौन से राज्य ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक टाई अप किया है अपने राज्य में पानी की सप्लाई और सीवरेज, यानी जो को सीवरेज होता है, जो गटर होता है आपका. आयुष त्रिपाठी जी, आपका शो हो रहा है, बड़ा लेट आपका आंसर आया है. हम उस क्वेश्चन से मूव कर चुके हैं आगे. शो हो रहा है आपका कमेंट. सही है आपका आंसर वन, मेघालय. तो कौन से राज्य ने जो है एशियन विकास बैंक के साथ 206 मिलियन का ऋण समझौता किया है. ऑप्शंस आपके सामने हैं ए वेस्ट बंगाल, बी तमिलनाडु, थ्री महाराष्ट्र या फिर फोर असम. दो आंसर आ गए हैं चिरंजीत मुखर्जी का, बी आंसर आया है यानी कि तमिलनाडु, और भक्त मिस्त्री का भी आंसर आया है टू तमिलनाडु. कोई और आप में से आंसर देना चाहता है क्या. कुलदीप फोगाट का आंसर भी आया है टू यानी कि तमिलनाडु. तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपका जो आंसर है तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही आंसर है. तमिलनाडु ने अपने 5 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट के साथ $206 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. महाराष्ट्र गलत आंसर है आयुष जी, महाराष्ट्र इज नॉट द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु ने यह समझौता किया है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए. What was the gross domestic product of India for the financial year 2020 as per the CRISIL? दोपहर के मेरे सेशन में भी मैंने Unacademy Plus पर जो अपना सेशन लिया था, Unacademy Plus पर भी आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर लगभग माने वहां पर भी 500 जो है वो करंट अफेयर आपको सॉल्व कराई है. तो आप में से जिन लोगों ने जो अभी ऑनलाइन है, अगर Unacademy का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सभी लोग वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं. तो 20,000 स्पेशल क्लासेस जो है वो Unacademy आपके लिए लेकर के आया है. मेरे जैसे और भी कई एजुकेटर्स आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका जो कोचिंग या स्टडी सेंटर बंद होने से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो सके. और ये सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. लेकिन फर्दर अगर आपको पढ़ना है, आपको अपना मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं, आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप सभी लोग Unacademy को सब्सक्राइब करिए. तो क्वेश्चन मेरा था कि क्रिसिल के अनुसार भारत का जो जीडीपी है उसका रेट क्या है, क्या दर है भारत के जीडीपी ग्रोथ की. 5.1% ए, बी 5.3%, थ्री 5.5% या फिर फोर 5.7%. छठे क्वेश्चन का आंसर आप में से मुझे कौन देगा. आयुष जी 5.6% तो ऑप्शन में ही नहीं है. चिरंजीत का आंसर आया है 4 यानी कि 5.7%. भक्त मिस्त्री का आंसर भी 4 है. कोई और आप में से मुझे आंसर देना चाहता है तो मैं आपको आंसर बताता हूं. इसका सही आंसर जो है वो है 1.
5.1%, 5.1% जो है वो क्रिसिल के अनुसार भारत की फाइनेंशियल ईयर 20 में जो है वो जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा 5.1%। सेवन क्वेश्चन पर आइए, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस ऑन December 2, 2019। 2 दिसंबर 2019 को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बार्लेन व्यापुरी, सेकंड है अमीना गुरीब, थ्री है पृथ्वीराज सिंह रूपन और फोर्थ है आपका मोनिक ओहसान बेलेपियो। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही होगी तो अभी ठीक हो जाएगा। बरेन व्यापुरी, अमीना गुरी, पृथ्वीराज सिंह रूपन या फिर मोनिक ओहसान, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सही आंसर सातवें क्वेश्चन का? चिरंजीत मुखर्जी कह रहे हैं मोनिक ओहसान बिलेपियू। चिरंजीत जी ये गलत आंसर है, मैं आपको बता दूं। और कोई आप में से है जो कुछ और आंसर देना चाहता है इस क्वेश्चन का? आयुष जी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको आपका जो डाउट है। तो सेवन का जो आंसर है लियाकत नाज मुगल का बिल्कुल सही आंसर आया है पृथ्वीराज सिंह रूपन जो है वो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मॉरिशस के नए राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। लियाकत नाज मुगल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आप जो पूछ रहे हैं आयुष जी, जो आपका डाउट है कि मूडीज ने जो आपकी 5.6% बताई है और क्रिसिल ने बताया है 5.1%। देखिए आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं वो अलग अलग बनाती हैं, अलग अलग एजेंसीज का जो कहना चाहिए कि जो एस्टिमेट्स होते हैं जीडीपी को लेकर के वो अलग अलग होते हैं, इसीलिए आप उसमें मत जाइए। अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग एस्टिमेट होते हैं और आप उनको वैसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। आठवां क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन से है आपका, आठवें क्वेश्चन पर आइए। हु वॉन हिज रिकॉर्ड 6 मेंस बैलेंडी ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2019, यानी कौन सा वो फुटबॉल का प्लेयर है जिसने की रिकॉर्ड छठी बार बैलेंडी ओर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है आपके सामने, कियालिन एम्बापे, ध्यान रखिएगा मैं 2019 का पूछ रहा हूं आपसे, और छठी बार उस प्लेयर ने जो है अपना बैलेंडी ओर पुरस्कार जीता है। कायलिन एम्बापे, एंटोनी ग्रीजमैन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर लियोनेल मेसी, बताइए आठवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? छठी बार जीता है, ध्यान रखिएगा। भक्त मिस्त्री का आंसर आया है 4, यानी कि लियोनेल मेसी। चिरंजीत मुखर्जी का आंसर है 3, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और कोई आंसर है आपका? उपेंद्र सिंह का आंसर है 4, यानी कि लियोनेल मेसी। शिव शंकर शर्मा का भी आंसर 4 है, लियोनेल मेसी। तो मैं आपको बता दूं चिरंजीत जी की जो आपका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3, ये गलत आंसर है, लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 6th टाइम जो है वो ये पुरस्कार जीता है। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ आए, कोई आप में से मुझे बता सकता है लियोनेल मेसी कौन सी टीम से खेलते हैं फुटबॉल, कौन सी टीम से आते हैं लियोनेल मेसी? आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन सी टीम से फुटबॉल खेलते हैं लियोनेल मेसी? बार्सिलोना उनका क्लब है चिरंजीत मुखर्जी जी, और भक्त मिस्त्री जी दोनों लोग ध्यान रखिएगा कि बार्सिलोना जो है वो उनका क्लब है, उनका टीम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की टीम का प्लेयर है लियोनेल मेसी। 9th क्वेश्चन पर आइए,
Where was the 21st Asian Archery Championship for the year 2019 है? 2019 में आपकी जो 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है वो कहां आयोजित की गई थी? ए फर्स्ट ऑप्शन है आपका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है मास्को रशिया, थर्ड ऑप्शन है बीजिंग चाइना, या फिर चौथा ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप जो कि 2019 में हुई थी किस देश में आयोजित की गई? चिरंजीत का आंसर आया है 3। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में जो है बिल्कुल सही आंसर है भक्त मिस्त्री का, बैंकॉक थाईलैंड में जो है वो 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है। 10वें क्वेश्चन की तरफ आइए। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम टू बी बिल्ड विद द एम टू बूस्ट द अंडर वॉटर और मरीन आर्कियोलॉजी? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है तो मेरे जो रेगुलर लर्नर है मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग आंसर देंगे। तो भारत का पहला मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कहां पर बनने वाला है? सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ऑप्शंस हैं आपके सामने लोथल गुजरात, कोलकाता वेस्ट बंगाल बी, सी चेन्नई तमिलनाडु, या फिर डी न्यू दिल्ली। बताइए। शैलेश कुमार का आंसर आया है लोथल। और कोई आप में से आंसर देना चाहता है? चिरंजीत का आंसर है न्यू दिल्ली। और कोई? शिव शंकर शर्मा और उपेंद्र सिंह का आंसर भी 1 है। तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर जो है वो है लोथल गुजरात। लोथल गुजरात में आपका फर्स्ट मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो है वो बन रहा है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कौन से देश की मदद के साथ ये फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम जो है वो गोवा में बन रहा है? कौन सा कंट्री जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है इस म्यूजियम को बनाने में? कोई आप में से मुझे बता सकता है कि कौन सा कंट्री जो है वो हेल्प कर रहा है इंडिया की? नहीं, जापान सही आंसर नहीं है। जापान इज नॉट द करेक्ट आंसर। यूएसए भी सही आंसर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी में चाहे तो रख सकते हैं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पहले बताया है। पुर्तगाल ये करेक्ट आंसर आया। शैलेश कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पुर्तगाल इज द कंट्री विच इज गोइंग टू हेल्प इंडिया फॉर इट्स फर्स्ट मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। पुर्तगाल जो है वो इंडिया की मदद कर रहा है। वेरी गुड शैलेश। शैलेश जी आप पहले भी मेरा सेशन ले चुके हैं क्या? चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ आइए। विच कंट्री टॉप्ड द अंक टार्ट्स बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019? कौन सी कंट्री ने जो है वो आपका अंक टार्ट का B2C ई कॉमर्स इंडेक्स, B2C को हम कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर, जो ई कॉमर्स इंडेक्स है उसमें टॉप किया है कौन सी कंट्री ने? ऑप्शंस हैं आपके सामने ए फर्स्ट नीदरलैंड, सेकेंड स्विट्जरलैंड, थर्ड सिंगापुर, या फिर फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। बताइए कौन सी कंट्री ने B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में टॉप किया है? कौन आप में से आंसर दे सकता है? सिंगापुर सही आंसर नहीं है। सिंगापुर इज नॉट द करेक्ट आंसर। और कोई? सही आंसर है 1 नीदरलैंड। नीदरलैंड ने आपका B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 12th क्वेश्चन पर आइए। Who was appointed as the chief executive officer of
अल्फाबेट ऑन 4th of December 2019। गूगल का ही एक सब्सिडरी कंपनी है अल्फाबेट। अयान अहमद बोल रहे हैं नीदरलैंड्स। तो गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है अल्फाबेट। अल्फाबेट के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही मशहूर एक ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोलने से पहले ही जो है आंसर आ चुका है। वैसे ऑप्शन थे स्टीव बाल्मेर, सत्या नडेला, सर्गेई ब्रिन या फिर सुंदर पिचाई। तो आंसर जो है वो आपका आ चुका है सुंदर पिचाई। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन जो कि गूगल की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं सुंदर पिचाई। इंडियन ओरिजिन के ये व्यक्ति हैं। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ आइए। वेयर वॉज द इंडिजेनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 2 टेस्ट फायर। यानी स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण कहां पर किया गया है? क्वेश्चन समझ गए आप सभी लोग? ऑप्शंस हैं 1 कोच्चि केरला, 2 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 3 चांदीपुर ओडिशा या फिर 4 बालासोर ओडिशा। 13 का आंसर बताइए कौन देगा? अयान अहमद का आंसर आ गया है चांदीपुर ओडिशा। कोई और आंसर देना चाहता है आप में से? तो मैं आप सभी को बता दूं कि चांदीपुर ओडिशा जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। चांदीपुर ओडिशा में ही आपका पृथ्वी 2 जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम मिसाइल है। ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी 2 जो आपका मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और न्यूक्लियर आर्म को ले जाने में जो है वो सक्षम है, न्यूक मिसाइल है ये एक तरीके से। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ आइए। नेम द मेड इन इंडिया फास्ट इंटरसेप्टर वेसल दैट वॉज गिफ्टेड बाय इंडिया टू मालदीव ऑन December 4, 2019 टू इनहेंस इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। यानी भारत ने मालदीव को एक उपहार स्वरूप जो है वो इंटरसेप्टर पोत दिया है, इंटरसेप्टर वेसल दिया है। क्या नाम है उस वेसल का जो भारत ने मालदीव को उपहार स्वरूप दिया है? ऑप्शंस हैं आपके कवाच, 2nd ऑप्शन है रानी अबक्का, 3rd ऑप्शन है कामयाब या फिर 4th ऑप्शन है राजश्री। बताइए आप में से इसका सही आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। कामयाब आंसर आया है अयान का। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल जो है वो सही आंसर है, कामयाब ही है उस पोत का नाम, उस वेसल का नाम जो कि इंडिया ने मालदीव को गिफ्ट किया है। इंडिया ने मालदीव को गिफ्ट किया है। आप सभी से जो है मैं दोबारा दोहराता हूं इस बात को कि आप सभी लोग जो है वो मेरा अनअकैडमी प्लस पर पहला काम तो आप सभी को ये करना है कि अनअकैडमी का ऐप आप सभी को इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी का ऐप आप सभी इंस्टॉल करिए और उसमें जो है 20,000 आर की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। इन क्लासेस को आप सभी लोग देखिए क्योंकि अभी आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस स्टडी सेंटर बंद चल रहे हैं, इस वजह से अनअकैडमी आपके लिए ये क्लासेस लेकर के आया है। एंड दीज क्लासेस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। एसएससी के, बैंकिंग के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के कोर्स जो है आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी, चाहे वो नीट यूजी हो, सीएसआईआर नेट हो या फिर यूजीसी नेट एग्जाम हो, जितने भी कोर्सेज आपके हैं सारे आपको अनअकैडमी पर मिलेंगे। 20,000 आर की ये स्पेशल क्लासेस हैं। इसके अलावा आप इसको सब्सक्राइब भी करिए एज योर टीचर, ये मेरी आपको एडवाइस है, ओनली फॉर 6,480 रुपीज में। वैसे तो फीस आपका 7,200 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड लाइव यूटी, मेरा रेफरल कोड है लाइव यूटी, इस रेफरल कोड को आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपके फीस पर और आपका इफेक्टिव फीस जो है वो बन जाएगा 6,480 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए, यानी कि 10 रुपए पर डे से भी कम में।
₹10 पर डे से भी कम में आपको ये क्लासेस करने को मिलेंगी फॉर 2 ईयर्स। और 2 साल के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, एनटीपीसी हो, हर एग्जाम को 1.5 से 2 साल तक जो है वो आपके कंप्लीट होने में प्रोसेस को लगते हैं। पहले ही दिन से आप प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तब जाकर के 2 साल में आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। इसीलिए मेरा आप सबसे ये एक आप सबको ओपिनियन है कि अनअकैडमी का ऐप आप इंस्टॉल करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। लाइव यूटी रेफरल कोड का आप इस्तेमाल करिएगा जब आप ऐप को सब्सक्राइब करें और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आप जाइएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन एसोसिएशन विद वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD का नाम आपने सुना होगा, लॉन्च्ड युवा जनरेशन लिमिटेड इंडिया टू प्रमोट द सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिल्ड द स्किल्स यंग पीपल नीड फॉर प्रोडक्टिव लिव्स एंड वर्क। यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन ने युवा लोगों को उत्पादक जीवन और कार्य के लिए आवश्यक कौशल यानी कि स्किल्स का निर्माण करने के लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है और उस पोर्टल का नाम है युवा पीढ़ी जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया। इस ऐप को लॉन्च किया है, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? चलिए ऑप्शंस देखिए, चिल्ड्रंस डिफेंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को, और फोर्थ है आपका चिल्ड्रन इंटरनेशनल। बताइए कौन सी वो संस्था है जिसने युवा नाम का ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। 15वें क्वेश्चन का मैं आप लोगों से आंसर पूछ रहा हूं, 15th क्वेश्चन मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर है सेकंड, यूनिसेफ। बिल्कुल सही आंसर दिया है अयान ने, यूनिसेफ ने WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर जो है वो युवा नाम का एक पोर्टल बनाया है, युवा नाम का एक पोर्टल बनाया है। 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट गंगा सेंट्रलाइज एक्वा लैब लेड। भारत के पहले गंगा केंद्रीय एक्वा लैब यानी गंगा के ऊपर ये एक्वा लैब बेस्ड है, गंगा के ऊपर जो गंगा रिवर है हमारी उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा, कहां पर ये लैब जो है वो उसका आधारशिला रखा गया है। 1 देहरादून, 2 वाराणसी उत्तर प्रदेश, 3 गुवाहाटी असम या फिर 4 कोलकाता वेस्ट बंगाल। 16 क्वेश्चन का मैं, भाई क्या बात हो गई, चिरंजीत मुखर्जी, शिवशंकर शर्मा, भक्त मिस्त्री, आयुष त्रिपाठी, लियाकत, सभी लोग, उपेंद्र, शैलेश कुमार, आप लोग भी आंसर दीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सही एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, आपका टीचर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको सही करेंगे। योर एजुकेटर इज हेयर, देन देयर इज नो नीड टू फेयर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अयान का जो आंसर है मैं बता दूं, अयान, भक्त मिस्त्री और शिव शंकर मिश्रा का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। देहरादून में आपका पहला एक्वा लैब जो है वो बन रहा है, पहला एक्वा लैब बन रहा है जिसका सेंटर में जो है वो गंगा नदी के ऊपर रिसर्च करना रहेगा। 17th क्वेश्चन पर आइए, 17वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द रेपो रेट अनाउंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द 5th, ये क्वेश्चन को हटा दीजिए क्योंकि ये चेंज होता रहता है। वैसे मैं आंसर आपको इसका बता दे रहा हूं कि आरबीआई ने जो अपनी 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रेट लॉन्च किए हैं 2019-20 के, उसमें घोषित रेपो रेट जो है वो क्या है, रेपो रेट क्या है। 17th का आंसर जो है वो आपका 3 है, 5.15%। वेरी गुड अयान, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 5.15% जो है वो इसका सही आंसर है। आप सभी को मैं बता दूं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट आपका वो रेट होता है जिस पर कि आरबीआई बाकी बैंक्स को लेंडिंग करता है, बाकी बैंक्स को जो है वो लेंडिंग करता है, दैट इज कॉल्ड द रेपो रेट। बाकी जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनको लेंडिंग करता है इस रेट पर। और रिवर्स रेपो रेट होता है जितने रेट पर बैंक्स जो है वो आपको आरबीआई को पैसा अपना डिपॉजिट देती हैं, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। 18वें क्वेश्चन पर आइए,
18वां क्वेश्चन है कि जिस बाई मंथली पॉलिसी की बात मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी, आरबीआई की पांचवी जो बाई मंथली पॉलिसी आई है, फिफ्थ जो बाई मंथली मौद्रिक नीति बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी आई है, उसके अनुसार भारत का जीडीपी रेट क्या है। देखिए आयुष जी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको सुबह मूडीज का बताया था 4.9%, और उसके अलावा फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्रिसिल का पूछा था, दैट वॉज 5.4%। अभी मैंने आपको आरबीआई के हिसाब से जो है, आरबीआई के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया का फिफ्थ जो जीडीपी रहेगा वो रहेगा 5%। आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इंडिया का जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में रहेगा 5%। तो ये जीडीपी का जो रेट है ये चेंज होता रहता है, लेकिन अभी जो करंट आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है उसके अनुसार ये रेट रहेगा 5%। चलिए 19th क्वेश्चन पर आइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट ट्राई एक्सरसाइज इंदिरा 2019। इंदिरा 2019 नाम से जो आपकी एक्सरसाइज होती है वो भारत और चाइना, भारत और किस देश के बीच में होती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के साथ साथ और कौन सा वो देश है जिन दो देशों के बीच में इंदिरा नाम की एक्सरसाइज जो है वो होती है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड श्रीलंका। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इंडिया एंड रशिया आंसर आया है, भक्त मिस्त्री का भी आंसर आया है इंडिया एंड रशिया, चित्रांजीत का आंसर आया है इंडिया एंड जापान। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में जो है वो आपका इंदिरा 2019 एक्सरसाइज हुआ है। शर्मा जी, इंडिया एंड रशिया आंसर है थर्ड। चलिए 20वें क्वेश्चन पर आइए। हु विल हेड द 14 मेंबर पैनल टू स्टडी इश्यूज रिलेटेड टू ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन अश्लील सामग्री से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक 14 सदस्यीय पैनल बनाया गया है, एक 14 मेंबर पैनल बनाया गया है, जो कि आपका इंटरनेट पर एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है उसको स्टडी करेगा कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए जो पैनल बनाया गया उसका हेड कौन होगा, कौन चेयरमैन होगा उस पैनल का। ऑप्शंस हैं कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जयराम रमेश या फिर आनंद शर्मा। अयान अहमद और शिवशंकर शर्मा दोनों का ही आंसर सही है, जयराम रमेश। जयराम रमेश जो है आपके इस पैनल को हेड करेंगे जो कि बनाया गया है ऑनलाइन एक्सप्लिसिट कंटेंट को रोकने के लिए। 21वें क्वेश्चन पर आइए। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर द सेकेंड टर्म ऑन 1st of December 2019। 1 दिसंबर 2019 को नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, हेग गॉटफ्राइड गेंगो, सेकेंड ऑप्शन है हिफी केपिने पोहाम्बा, थर्ड ऑप्शन है बेन उलेंगा और फोर्थ ऑप्शन है सैम नुजोमा। बताइए सही आंसर क्या है। अयान अहमद ने कहा है ऑप्शन 1 हेग गेंगो। और कोई आप में से जो आंसर देना चाहता है, भक्त मिश्री ने आंसर दिया है 2। वेरी गुड अयान, आपका करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रिवीजन है, वेरी नाइस, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद यू। आप मेरे सारे सेशन जो है, आप सभी लोग जो लोग आंसर दे पा रहे हैं वो भी रिवाइज करेंगे, और आप में से जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं मेरे अनअकैडमी प्लस पर जितने भी सेशन हुए हैं अनअकैडमी प्लस पर, उन सभी को आप लोग रिवाइज कर लीजिए। उससे बाहर क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं जाएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कोर्स भी मैं अपने जनरल स्टडीज में लेकर के आ रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंडियन कल्चर और एनवायरमेंट, ये पूरे 6-7 जो पॉइंट हैं जनरल स्टडीज में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे पॉइंट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। अनअकैडमी का ऐप फ्री टू इंस्टॉल है, उसको आप इंस्टॉल करिए, अनअकैडमी के ऐप को बिल्कुल फ्री है। 20,000 आपको स्पेशल क्लासेस भी मिल रही हैं,
वो भी आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी कोरोना वायरस की वजह से अपने घर में हैं, कहीं आना आ जा नहीं सकते, तो अनअकैडमी आपका पूरा ध्यान रखेगी, मेरे जैसे और ढेर सारे एजुकेटर जो हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको सब्सक्राइब भी जरूर करना है, जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक लिमिट है फ्री वीडियोस की, फ्री लेक्चर्स की एक लिमिट है, वो लिमिट खत्म होने के बाद फिर आप उस कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है ओनली फॉर 7200 रुपीज। और इसके बाद अगर आप मेरा रेफरल कोड लगा दोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ओनली फॉर 6480 मेरा रेफरल कोड है लाइव यूटी। और इसके बाद आपको जो फायदे होंगे, आपको फायदे क्या क्या होंगे, आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हो, कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हो, अगर आप फ्री नहीं हो तो आप बाद में भी वीडियोस को देख सकते हो। तो जरूर आप लोग जो है उसको इंस्टॉल करिए, और मेरा नाम है उमंग तिवारी, आप मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, जनरल स्टडीज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मेरी सारी क्लासेस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। 22nd क्वेश्चन पर हम आते हैं, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड एन्यूटी बेस्ड 14 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड। कहां पर, किस जगह पर भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला हाइब्रिड एन्यूटी बेस्ड 14 मेगा लीटर पर डे, एमएलडी का जो फुल फॉर्म है यहां पर वो है मेगा लीटर पर डे, 14 एमएलडी पर डे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मंगला डोई दरंग असम, मनिका ब्लॉक इन लातेहार, अभाना विलेज इन दामो मध्य प्रदेश, या फिर सराय विलेज इन हरिद्वार उत्तराखंड। अयान अहमद ने आंसर दिया है 4 सराय विलेज हरिद्वार, और चित्रांश मुखर्जी ने भी आंसर दिया है सराय विलेज हरिद्वार, शिव शंकर शर्मा ने भी आंसर दिया है सराय विलेज हरिद्वार। तो आप, मैं सभी को बता दूं कि ये बिल्कुल सही आंसर है, सराय विलेज हरिद्वार में इंडिया का पहला हाइब्रिड एन्यूटी बेस 14 मेगा लीटर पर डे का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किया गया। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया आप सभी लोगों ने। 23rd क्वेश्चन पर आइए, हु हेड्स द 15th फाइनेंस कमीशन दैट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जो कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले 15वें वित्त आयोग का प्रमुख कौन है, हमारे 15वां जो फाइनेंस कमीशन है उसका प्रमुख कौन है, सीधा सीधा सवाल आपके लिए ये है। ऑप्शंस हैं अरविंद सुब्रमण्यम, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, या फिर एन के सिंह जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। बिल्कुल सही आंसर है, नंद किशोर सिंह जो है वो आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जो 15th फाइनेंस कमीशन है आपका उसके हेड है नंद किशोर सिंह। वेरी नाइस, वेरी गुड। 24th क्वेश्चन पर आइए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन 6 दिसंबर 2019। 6 दिसंबर 2019 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, विक्रम लिमाए, दिनेश कनाबर, या फिर नावेद मसूद। 24th का आंसर दीजिए, कौन देगा? एनएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में? आंसर आया है मेरे पास 1 गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, जी सी चतुर्वेदी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। वेरी नाइस। अब हम चलेंगे अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, हु हैज क्राउंड विद मिस यूनिवर्स 2019 ड्यूरिंग द 68th एडिशन ऑफ मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन अटलांटा जॉर्जिया। अटलांटा जॉर्जिया में आयोजित मिस यूनिवर्स पेजेंट के 68वें संस्करण में मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसने पहना है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2019। ऑप्शन है आपके सामने बोनांग मथेबा, सेकेंड ऑप्शन है तमारियान ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है जोजीबीनी तुंजी, या फिर फोर्थ ऑप्शन है डेमी ले नेल पीटर्स। 25वें क्वेश्चन का बताइए, बोनांग मथेवा,
tamarind green, jojibini tunzi या फिर demi lay nail pitas. और बिल्कुल सही आंसर अयान का आ गया है, जोजीबीनी तुंजी. जोजीबीनी तुंजी जो साउथ अफ्रीका की हैं, ये बनी है 68th मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 68th. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, चलिए जल्दी से पूछ लेता हूं, आप लोग बताइए कि 69th एडिशन जो आपका मिस वर्ल्ड का हुआ है, मिस वर्ल्ड का जो 69th एडिशन हुआ था आपका लंदन यूके में, ये वाला खिताब जो है वो किसको मिला है, कौन नाम बताएगा आप में से मुझे. ऑप्शंस नहीं है आपके सामने, सीधे सीधे आप जो है मेरे को आंसर दे सकते हो. बताइए, टोनी एन सिंह फ्रॉम जमैका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए हैं आप लोगों ने. अयान अहमद स्पेशली आपको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं. इसके अलावा चिरंजीत मुखर्जी, शिवशंकर शर्मा, भक्त मिस्त्री, आयुष त्रिपाठी, विशाल कौशिक, आप सभी लोगों को जो है वो मैं थैंक यू बोलता हूं, आप लोग मेरे सेशन में आए. शैलेश कुमार, लियाकत नाज मुगल, आप सभी लोग जो मेरे सेशन में आए सभी को मैं थैंक यू बोलता हूं. मेरे लगातार आप लोग सेशन लेते रहिए, 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन के लगातार मैं आपके लिए सेट लेकर के आता हूं. कल भी अनअकैडमी पर ठीक 1 बजे जो है वो मेरा सेशन है, दोपहर में 1 बजे 1 PM पर मैं आपके लिए और भी जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा. 35 क्वेश्चन का सेट मैं लेकर के आऊंगा कल आपके लिए दोपहर में 1 बजे. कल आप सभी लोग जो आज मेरे सेशन में आए हैं, आप सभी लोग उस सेशन में मेरे साथ जुड़िएगा. 35 नई करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा. आप इसके लिए अनअकैडमी को आप में से जिसने इंस्टॉल नहीं किया हो इंस्टॉल कर लीजिएगा. मेरा नाम उमंग तिवारी है, आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा और अनअकैडमी को आप सभी सब्सक्राइब भी करेंगे. ये मेरी ओपिनियन है आपके लिए एज योर टीचर, और आप इसको सब्सक्राइब करिए. 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर आप जाइए, लाइव यूटी मेरा रेफरल कोड है, आपको आपके फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवेज चैनल, जिस पर आप मेरा ये चैनल जो सेशन है वो देख रहे हैं, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए. मेरा जो अपना जो टेलीग्राम का चैनल है माई कॉम्पिटिशन मिनिस्ट्री, मैं यहां पर लिख देता हूं माई कॉम्पिटिशन मिनिस्ट्री, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. आप सभी लोग इसको जो है इस पर ऐड होंगे. अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी आप सभी लोग ऐड होंगे. बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप सभी प्रेस करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच. लेट्स क्रैक इट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.